गाइस मैं तो अम्मा की साइड हूँ। मैंने क्या करा? वेलकम टू माई न्यू ब्लॉग। तो गाइस सुबह के 10 बज रहे हैं और मौसम देखो कितना अच्छा हो गया है। देखो बारिश हो रही है और पूरी गली गीली हो रखी है। मम्मी को टेंशन हो रही है कि बारिश हो रही है, कपड़े कहाँ पे सूखेंगे। बारिश आएगी ना तो एकदम से इतनी तेज बारिश आएगी कि फिर मम्मी को यहाँ से उठना पड़ेगा। धूप निकल गई एकदम से, पता ही नहीं चला। देखो गाइस इस साइड ना काले बादल हो रहे हैं और ये देखो सूरज निकल रहा है। समझ नहीं आ रहा कि कैसा मौसम हो रहा है। इतना काले बादल है, मौसम कह रहा बारिश आनी चाहिए, इतना मौसम कह रहा उड़ जाओ बादल। हाँ मम्मी तुम क्या चाहती हो? आ जाए बारिश, बहुत तेज बारिश आ रही है, बहुत तेज है। धूप आ गई, धूप आ गई, लेकिन अभी काले बादल हो रहे थे ना। धूप आ गई अब सूख जाएंगे, चाहे बारिश हो चाहे तूफान हो, कपड़े तो धुलेंगे। हाँ, बारिश में ही भीग भीग के करना है मेरे को। गाइस मौसम का ना समझ नहीं आ रहा है। ये देखो सूरज गायब हो गया है अब तो, काले बादल इकट्ठे हो रहे हैं, बारिश आ जाए बहुत तेज, फिर तो कपड़े नहीं शाम को आनी चाहिए। अभी नहीं, शाम को क्यों? शाम तक कपड़े सूख जाएंगे, शाम को बारिश आनी चाहिए। मम्मी कह रही है अभी आनी चाहिए, शाम को नदी बढ़ जाती है। लिवर कपड़े मेरे को ना ये टप में भर भर के रखने पड़ेंगे, फिर इसमें दूसरे दिन स्मेल आएगी। हाँ ये तो है, कपड़े धो दो तो ना। इसके लिए वो लाओ कम्फर्ट होता है, वो सारे कपड़े में वो लगाओ तो नहीं आएगी। है मम्मी इस टाइम आ जाएगी तो तुम नहा लोगी है ना? मैं तो नहा लूंगी बारिश में, मेरे को तो बारिश में नहाना अच्छा लगता है। लेकिन इस टाइम शाम को तो तुम्हारा काम होता है। शाम को मैं रसोई में खाना बनाती तो खाना बनाती से मैं थोड़ी ना नहाऊंगी। इस टाइम तो मुझे नहाना, कपड़े धोने, इस टाइम भीग जाऊंगी। लेकिन जुकाम हो जाता है जैसे कि नहाई थी परसों, जुकाम हो गया ना कल। हाँ मेरी तबीयत खराब, राजी को भी हो गया, वंश को भी हो गया, जो भी बारिश में इन दिनों में नहाता ना जुकाम हो जाता। तू मत नहीं हो, लेकिन तू मत नहीं हो तो देखते हैं, अगर बारिश आई तो कपड़े हमें रखने पड़ेंगे उठा के, क्योंकि बारिश में तो कपड़े सूखते ही नहीं है बिल्कुल भी, तो कपड़े रख देंगे। अगर नहीं आई तो सुखा देंगे, उस सुखाने के बाद अगर बारिश आ गई ना तो बुआ भागेंगी सबसे पहले, बुआ और मम्मी कपड़े उतारने के लिए। रोज भी नहीं छोड़ रही अम्मा, रोज ना रही दिन में, तो अच्छी बात है ना। अम्मा ना रोज अंदर पंखे में रहती है, हम लोग तो बुआ में काम करते हैं, धूप में रहते हैं। चल हम दोनों का तो मतलब बनता है कपड़े बदलने का, हम दोनों नहाएंगे, लेकिन अम्मा सारा दिन पलंग पे लेटी रहती, पंखे पे रहती है, फिर भी अम्मा रोज नहा रही है डेली। अम्मा पूजा करती है ना बुआ? पूजा करनी होती है उनको तो, नहा के तो पूजा होगी। हाँ। तुम ये कह लो साफ रहती है या पंखे में रहती है तो बड़े लेकिन... बूढ़े तो पूजा करते हैं, इसलिए पूजा की वजह से नहाती है वो रोज। हाँ। सर्दी में तो अम्मा एक दो दिन छोड़ देती है। हाँ, सर्दी में तो हम भी लेकिन सर्दी में भी अम्मा सबसे पहले नहाती है। तुम देखते रह जाओ, तुम सोते रह जाओ। सर्दी में अम्मा, गाइस अम्मा ना सुबह बहुत जल्दी नहा लेती है और मैं तो सो रही होती हूँ, बारिश आ गई भाई, बारिश आ गई। बोल के पागल मत रो, आजा आजा आजा, मेरी मम्मी बुला रही है, बारिश को आजा भाई, बारिश आ। गाइस बारिश देखो कितनी तेज हो गई भाई, गाइस गली भर जाएगी इतनी तेज हो रही है। और वहीं अभी अभी स्कूल से आया है तो बारिश में ही नहा रहा है, ये देखो भाई अब डर जा रहे हैं। आलिया गाइस वंश कितना नहाता ही रहूं क्या पूरे दिन? 5 मिनट में नहा लेता है, पूरे दिन नहाता ही रहूं और क्या। और गाइस बुआ भी नहा कर आ गई हैं और बुआ बन के आई हैं पाजी। ओ कितने चलो पाजी, आज खाने में बुआ ने बनाया है आलू टमाटर, साथ में चावल रोटी और रात की भिंडी। मैं भी खा रही हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छी लगी थी। और ये देखो बुआ भी खा रही है भिंडी रात की, वो चावल नहीं खा रही, चावल कम खाती हूँ मैं, रोटी खाती हूँ। भिंडी पसंद नहीं आई थी तुम्हें? भिंडी तो अच्छी लगी थी, मुझे भी बहुत अच्छी लगी थी। आज कैसा रहा स्कूल में दिन? भाई बहुत बारिश हो रही है, बारिश हो रही है। तो गाइस शाम के 4 बज गए हैं, वैसे तो मैंने बोला था कि मैं चाय बनाऊंगी आज, लेकिन 5 बज गए भाई, टाइम का पता ही नहीं चला, 5 बज गए। और वैसे तो मैंने बोला था कि मैं चाय बनाऊंगी आज, लेकिन मुझे ना पता ही नहीं चला मैं कब में सो गई, कब में मुझे नींद आ गई। और एक तो मेरे ना मेरे को ठंड भी लग रही थी तो मैं तो कंबल ओढ़ के, और पता ही नहीं चला कब सो गई। तो गर्मी में जब गर्मी ज्यादा लगती है और जरा सा बारिश होती है तो ठंड लगने लगती है। और गाइस ऊपर ना 2 कारीगर लगे हुए हैं, खोलो भाई। गत्ता लगाया, दोनों ने कवर कर दिया पूरा, दोनों ने अच्छी तरह से कवर कर दिया है। देखो
ओ बेटे, भाई साहब कितने पैसे लोगे अब? थोड़ी सी हवा लूंगा बस ऐसी ही। चलो कोई नहीं, हवा ले लो आप, पैसे मत लेना फिर, ठीक है? दोनों कारीगरों ने बढ़िया काम करा है, अच्छे से उसको कवर कर दिया विंडो को। गाइस आज मम्मी ने ना काफी टाइम बाद ये देखो बड़ी बिंदी लगाई है, दिखाना मम्मी। अरे तो मैं सामान लेने गई थी, बड़ी बिंदी आ गई। नहीं बड़ी बिंदी भी अच्छी लग रही है, लेकिन मम्मी छोटी ज्यादा अच्छी लग रही है तुम्हारे फेस पे। थोड़ी सी बड़ी आ गई क्योंकि तुम्हारा फेस ना बहुत छोटा सा है। मैं ले थी इसमें ना बोन ज्यादा ही छुपती नहीं है। हाँ ये अच्छी होती है। मम्मी ने आज बड़ी बिंदी लगाई है, अच्छी लग रही है। आज खाने में क्या बना रही हो मम्मी? मटर पनीर। मटर पनीर? भाई मटर पनीर मेरे को अच्छा नहीं लगता। मम्मी ने मसाला भी पीस दिया है, मसाला डालते हैं। मुझे इससे ही डर लगता है, ये मसाले की छींटे आती है ना। ओ भाई छींटे आ रही है। मम्मी ये देखो ये टमाटर रह गया। गाइस हमारे घर में जब से कैरम बोर्ड आया ना, जब से अभी तक वंश ने ना एक भी मैच में भैया मैं और हमारे संग खेलता है ये रानी नहीं निकाल पाया है। जब से अभी तक रानी नहीं निकाल पाया है, तो आज अम्मा वर्सेस वंश के बीच एक कॉम्पिटिशन होएगा, रानी निकालनी है बस। मंजूर है? रानी का गेम। हाँ बस रानी निकालनी है उसमें। अम्मा कैरम बोर्ड खेलना आता है? हाँ बहुत आता है, मतलब हम तो बहुत खेले हैं। हम तो बहुत खेले कैरम बोर्ड, हम तो ताश भी बहुत खेले हैं। ओ बेटे ताश खेलते थे, झोल पत्ता। झोल पत्ता मिलाकर क्या बोल रहे? अम्मा कुछ भी नहीं है मेरे आगे। ओ बेटे कह रहे मेरे आगे कुछ भी नहीं है अम्मा। अच्छा इसे बता दो रानी निकाल के। वंश एक शर्त मेरी है, अगर अम्मा ने रानी निकाल ली ना तो अम्मा तुझे कोई भी सजा दे सकती है। मंजूर है? चलो 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 स्टार्ट करते हैं अम्मा से। चलो अम्मा। वंश की बारी। चलो अम्मा की बारी। वंश अम्मा अम्मा। गाइस मैं तो अम्मा की साइड हूँ। बेटे भाई साहब ओ देखो। हे प्रभु हे प्रभु हे हनुमान। मैंने क्या करा? निकाल दी बात तो सही है। टेढ़ा नहीं चल सकते। टेढ़ा नहीं नहीं चढ़ा, झूठ बोल रहा। ये भगवान क्या जुलुम है भैया। काली होती है और वहाँ पे निकल गई थी, ऐसे चल रही थी दोनों। चलो एक बार और चलो। अम्मा ये चीख रहा है, ये चीख रहा है खेल। चाहे ये चला तू चलाओ, नहीं चलानी है तुझे। जहाँ मर्जी ये चलनी है, जहाँ मर्जी। अम्मा अम्मा अम्मा। ओ बेटे अम्मा राजा निकाल। गाइस अम्मा को रूल्स नहीं पता है, अम्मा ने कैसे टेढ़ी करके निकाली ना गोटी। अब देखो भैया देखो कैसे चलेंगी। चलने तो दे, चलने तो दे, कैसे चलेंगी अम्मा। देख टेढ़ी चल रही अम्मा। पहले दोनों गोटी निकाली, बेईमानी कर रहा है। हाँ नहीं आता खेलना, बेईमानी कर रहा अम्मा ये। एक बार में दोनों निकाल दी थी मैंने। हाँ अम्मा ना लंबा चले। अम्मा अब तो निकालो भाई। बस राजा हैं अम्मा, राजा निकाल लो। गाइस मेरे को नहीं लगता कि इस गेम में ये गेम जल्दी खत्म हो पाता है या नहीं, क्योंकि बहुत लंबी गेम चल रही है सिर्फ दो गोटी की। गाइस कौन निकालेगा, रानी अम्मा या वंश? और भाई ये दोनों गोटियां सेट हो रखी हैं अम्मा के लिए। अम्मा निकालो अब तो निकाल सकती हो। रानी निकाली अम्मा ने, सिर्फ राजा नहीं निकाल पाती। अम्मा ने ना रानी चार बार निकाली लेकिन अम्मा राजा नहीं निकाल पाती।
चलो भाई इस गेम को यहीं खत्म करते हैं। अम्मा ने चार बार निकाल ली थी। चलो अम्मा जीत गई। अम्मा जीत गई, मान रहे ना तू? अम्मा जीत गई, हार मान जाता हूं। रानी का निकाली इनने, जीत गई अम्मा, तुम जीत गई। वो उनने हार मान ली। मार लिया? हाँ, मैं कई बार निकली। ताली मारो, तुमने वंश को हरा दिया। ताश खेल में मैं भी हरा दूंगी। जोर पट्टा, जोर पट्टा। सुन ले भाई, ताश में भी हरा देंगे अम्मा। वंश और अम्मा के बीच कंपटीशन हुआ था रानी निकालने का कैरम बोर्ड में, लेकिन वंश ने ना हार मान ली क्योंकि अम्मा ने ना चार बार निकाल ली थी रानी, और वंश एक बार भी नहीं निकाल पाया, और अम्मा ना राजा नहीं निकाल पाई, इस वजह से वंश ने ना हार मान ली। लेकिन गाइज अम्मा बहुत अच्छा खेली थी। अम्मा ने रूल्स तोड़ दिए सारे। रूल्स तोड़ दिए तुमने सारे? सारे हाँ। क्या होती है? कभी टेढ़ा मार रही हो, कभी इधर से मार रही हो, इस वजह से वंश ने हार मान ली और अम्मा जीत गई है कैरम बोर्ड में, और मुझे अम्मा का गेम बहुत अच्छा लगा। तो गाइस अब टाइम आ चुका है इस ब्लॉग को एंड करने का। आई होप आपको आज का ब्लॉग पसंद आया होगा। मिलते अगले ब्लॉग में। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय।